कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए के कॉमर्स एकेडमी को और करें अपने 11th to MCOM, CA, CSE, MA और BBA का सपना साकार। डाउनलोड ये ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस KKCA कॉमर्स एकेडमी के अंदर। मैं हूं प्रमोद गायकवाड़ और आपके सामने फिर से एक बार नया टॉपिक लेके आया हूं। ये टॉपिक जो है हमारा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट इस एग्जाम के लिए, लॉगरिदम, बहुत आसान और बहुत इम्पोर्टेंट, ऐसा हमारा BBA का इस सिलेबस का चैप्टर नंबर 10 अभी शुरुआत होने जा रही है। तो ध्यान से देखते रहिए और समझते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए इस टॉपिक को, क्या है क्या नहीं इसको समझना है। दोस्तों, आई डोंट ऑलवेज टेक अ लॉगरिदम, ये जो साहब है वो कह रहे, बट वेन आई डू दे आर नेचुरल लॉगरिदम। कहना क्या चाहते एग्जैक्टली वो, उनको नेचुरल लॉगरिदम मतलब क्या है? ओके प्रणव, एक ही बार टाइप करो, ज्यादा बार मत करो, ठीक है? चलो, तो लॉगरिदम, लॉगरिदम के केस में ये जो साहब है वो कह रहे थे, बट वेन आई डू दे आर नेचुरल लॉगरिदम। नेचुरल लॉगरिदम मतलब क्या कि वो कहना चाहते हैं कि कैसे लॉगरिदम लिया जाए, कैसे नहीं लिया जाए, कौन से टाइप्स होते हैं, क्या नहीं होते, ऑल थिंग्स हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें। लेकिन आपको ध्यान रखना है, दिस इज वेरी इजी चैप्टर, लेकिन आपको अच्छे से पढ़ेंगे, उसके अंदर ध्यान से कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो ही आपको समझ में आएगा कि लॉगरिदम आखिर क्या चीज होती है। तो सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज लॉग, लॉग एक्चुअली कैसे बना है, लॉग का जन्म कैसे हुआ, ये मैथमेटिक्स के किस चैप्टर के साथ मेल खाता है और कैसे ये बना होगा वो हमको अभी सोचना है, ठीक है? मेरी वॉइस एंड वीडियो क्लियर है सबको अभी? यस सर। ओके, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी लॉगरिदम को, देखते हैं कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट समझेंगे। बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आया किधर भी जिस भी स्टेप में होगा, यू कैन आस्क मी, ओके, क्वेश्चन पूछिए तो भी समझ में आएगा। सबसे पहले आप ये समझिए, वाई इज इक्वल्स टू ए रेस टू एक्स। सर क्या लिखा है? ये लिखा है 2 raised to 3 इज इक्वल्स टू 8, होता है कि नहीं होता है? y इज इक्वल टू ए रेस टू एक्स। इस वाले टर्म को हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंट, हमने सीखा है, याद करो चैप्टर नंबर 1, है ना, चैप्टर नंबर 1 या 2 में या 0 में हमने ये सीखा था कि एक्सपोनेंट नाम का टॉपिक, एक्सपोनेंट नाम के टॉपिक में हमने ये सारी चीजें देखी थी। यस, आपको याद है एक्सपोनेंट? अगर आपको याद है तो एक्सपोनेंट के ऊपर से ही लॉगरिदम बना हुआ है। व्हाट इज लॉग, लॉग कहां से आया? तो लॉग यहां से आया। कहां से आया? एक्सपोनेंट के ऊपर से बनता है लॉग। कैसे बनेगा सर, दिखाओ हमको। यस, मैं दिखाने जा रहा हूं, आप लोग ध्यान से देख लो। देखो, इसको लॉग लगाते हम लोग तो ये बनता है लॉग वाई, और इसको लगता है लॉग ए रेस टू एक्स। अब आप लोग ध्यान में रखिए, ये आने वाला है रूल में, रेस्ट टू के पावर में जब होता है इसको बोलते हैं एंगल, और ये है फंक्शन, लॉग एक फंक्शन है, ए क्या है? एंगल, उसके पावर में एक्स है, वो नीचे आता है और यहां पे बनता है लॉग ए एज इट इज, लॉग ए। ये मल्टीपल का लॉग ए गया डिवाइड में, तो ये क्या बनेगा? लॉग वाई अपॉन लॉग ए इज इक्वल टू एक्स। लॉग ए और लॉग वाई जब डिवाइड में होते हैं तो ये ए को बोलते हैं बेस, क्या बोलेंगे? बेस, और ये बेस इस लॉग में घुस जाता है, मतलब x इज इक्वल्स टू लॉग y टू द बेस a, ऐसा लिखते हैं। क्या आया? x इज इक्वल्स टू लॉग y टू द बेस a। ये कहानी है, इधर से इधर लिखी हुई, क्या ये कहानी किसकी? लॉग के जन्म की। लॉग कैसे तैयार होता है? लॉग आता है लॉग y, कैसे पढ़ना है, पढ़ना भी आना चाहिए, कैसे बोलना है? लॉग y टू द बेस a इज इक्वल टू x, या फिर x इक्वल टू लॉग y टू द बेस a। बेस किसको बोलेंगे? नीचे वाले को। ये बीच का क्या लिखा है वो छोड़ो, वो तुम्हें आएगा थोड़ी देर में रूल्स में।
तो इन शॉर्ट y इज इक्वल टू ए रेस टू एक्स, कैसा ये बना? x कहा जाता है, यहां जाता है, log किसको लगता है? y को, और इसका जो बेस था एक्सपोनेंट में, वो एक्सपोनेंट का बेस अभी किसका बेस बन गया? log का बेस बन चुका है, याद है आपको, log का बेस बन चुका है। अब मुझे डायरेक्टली अगर इसको log के फॉर्म में लिखना है इस वाली टर्म को, तो मैं क्या लिख सकता हूं? यस, कंपेयर करो, 3 इज इक्वल टू क्या आएगा? log 8 टू द बेस 2 आएगा कि नहीं आएगा? इधर से देख लो, y कहा था, कहा गया, log किसको लगा, a कहा था, कहा चला गया, x किधर था तो किधर चला गया, ये बात समझ में आ रही है क्या? चेक करो, क्लियर है आपको? 8 इज इक्वल टू 2 क्यूब का कैसे आया log? यस, यहां तक कोई डाउट है किसी को? जैसे और एक एग्जांपल देता हूं, 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 होता है, कैसा होगा इसका लॉग फॉर्म, इसका लॉगरिथम में कैसा कन्वर्ट होगा? यस, लॉग ऑफ 16 द बेस 4 इज इक्वल टू क्या आएगा? 2। आंसर जो होता है ना उसको लॉग लगाना होता है, जो बेस होता है वही तुम्हारा बेस बन जाता है, और जो पावर होती है वो तुम्हारा क्या होता है? आंसर, लॉग के फॉर्म में। और एक एग्जांपल लेता हूं, 27 रेस टू 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 3, बताइए इसका लॉग फॉर्म क्या होगा? यस, एनीवन बता सकते हैं क्या लॉग का फॉर्म? यस, ऑनलाइन वाले जितने भी है, क्या किसी के मुंह से आवाज निकाल के कोई बता सकता है कैसे आएगा ये? ओके, तो ये आएगा log ऑफ 27, नहीं, log ऑफ 3 टू द बेस 27 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3, इस तरीके से आएगा, ठीक है? यस, और लास्ट वन, 5 रेस टू माइनस 2 अगर 1 अपॉन 25 होता है तो इसका log फॉर्म बनेगा log ऑफ 1 अपॉन 25 टू द बेस 5 इज इक्वल्स टू माइनस 2, ये तुम्हारा बनेगा log। यहां तक कोई डाउट है? इसको बोलते हैं बेसिक डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम, ये डेफिनेशन है लॉगरिथम की, एक्सपोनेंट से log कैसे बना ये पता होना जरूरी है। y इज इक्वल टू ए रेस टू x होता है तब क्या बनता है? log x इज इक्वल्स टू log y टू द बेस a, और उसके ऊपर से हमने सारे ये जो देखे ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, और उनका नीचे क्या लिखा हुआ है? यस, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म का नीचे क्या लिखा है? लॉग फॉर्म। ऊपर के सारे एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, नीचे के सारे लॉग फॉर्म है। क्लियर है आप लोगों को कैसे बनाए हैं? यस, एनीवन एनी डाउट अप टू हियर? मैं शुरुआत से कहता हूं, कुछ भी डाउट होगा प्लीज आस्क योर डाउट हियर ओनली। आपके हाथ में इतने दिन नहीं बचे हैं कि आप डाउट पूछने के लिए किसी और दिन आओगे, आज ही जो होगा वो फाइनल होगा, इसके बाद कभी नहीं होगा, ये समझ लो, ये लास्ट चांस है तुम्हें जिंदगी में सीखने का, इस हिसाब से सीखो, ठीक है? यस, मैं फिर से पूछ रहा हूं, कोई डाउट है इसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड लॉगरिथम फॉर्म? बताइए, ठीक है? ओके, मैं एक्सप्लेन करता हूं फिर से एक बार, देख लो आप लोग। यस, मैं यहां पे एक्सप्लेन कर देता हूं, y इज इक्वल टू ए रेस टू एक्स, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है, तो इसका log वाला फॉर्म होता है log ऑफ y टू द बेस a इज इक्वल टू x, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, लिखा करो, तुम लोगों को आदत नहीं है लिखने की, लिखा करो, है ना, हाथ से लिखा करो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको बोलते हैं लॉगरिदमिक फॉर्म, लिखा करो, लिखने से आदमी के दिमाग में 5 बार पढ़ा जाता है, एक बार लिखना मतलब 5 बार पढ़ना, ऐसा मैं नहीं कहता हूं, स्वामी विवेकानंद कहते थे, तो उस हिसाब से लिखा करो, फिर आपको समझ में आएगा कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म का लॉगरिदमिक फॉर्म कैसे होता है। तो मैंने क्या बताया, जैसे 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25, जैसे 2 क्यूब इज इक्वल टू 8 है, जैसे 25 इज इक्वल्स टू 25 स्क्वायर इज इक्वल टू 625,
या फिर हम लोग कहेंगे 2 raised to -3 होगा 1/8, ये सारे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसका लॉग तैयार करना है तो किसको लगाएंगे लॉग? आंसर को लगाएंगे। बेस क्या लेंगे? यहां पे जो बेस होता है एक्सपोनेंट का वो बेस। लॉग 25 टू द बेस 5 इज इक्वल्स टू 2, लॉग 8 टू द बेस 2 इज इक्वल्स टू 3। आंसर को लॉग लगाना है, बेस जो होता है वही लेना है, पावर जो होती है वो तुम्हारा क्या होता है आंसर। लॉग ऑफ 625 टू द बेस 25 क्या आएगा? 2। फिर से लॉग ऑफ 1/8 टू द बेस 2 कितना आएगा? -3। इस तरीके से बढ़ना है। देखो इसको, अभी किसी को डाउट है फिर से पूछो, मैं 10 बार नहीं 1000 बार बताऊंगा, लेकिन तुम्हें पूछना आना चाहिए और वो दिमाग में जाना भी चाहिए। बताइए कोई डाउट है? यस, एनीवन इन डाउट इनटू दिस? यस होगा तो यस बोलो, नहीं होगा तो नहीं बोलो, लेकिन दोनों में से कुछ तो भी आंसर कंपलसरी है। ठीक है, ओके, ठीक है, आगे बढ़ते। फिर इसमें एक दो चीजें इंपॉर्टेंट वो पता होनी चाहिए, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो रूल्स पता होने जरूरी है। लॉग, अगर मैं लॉग 1 निकालता हूं, 1 क्या लिख रहा हूं मैं? लॉग 1 कोई भी बेस होनी चाहिए, इधर 2 हो 3 हो 4 हो, कुछ भी बेस हो, अभी मैंने बेस लिखा हुआ नहीं है, कुछ भी बेस होगा तो भी आंसर आपको लिखना है 0। क्यों ऐसा होता है सर? व्हाई लॉग 1 का आंसर 0? भाई ए रेस टू 0 1 होता है, एनी नंबर रेस टू 0 क्या होता है? 1। तो मैंने क्या बोला? लॉग 1 इज इक्वल टू 0। लॉग किसको लगा? 1 को लगा। एक आया गया इसके नीचे, यहाँ पे ए है, ए मतलब एनी बेस, आंसर क्या आएगा? ऊपर वाला। ऊपर वाला मतलब क्या आता है? तो ये दिमाग में लिख के रखो कि लॉग 1 क्या आता है? आंसर 0। दूसरा, लॉग अगर यहाँ पे कुछ है ए और इधर भी वही नंबर है, जो नंबर एंगल में है वही बेस में है, तो इसका आंसर होता है 1। तो इसका आंसर क्या होता है? 1। सर ये कैसे आया? भाई a रेस टू 1 आंसर क्या होता है? a होता है कि नहीं होता है? 2 रेस टू 1 आंसर 2, 3 रेस टू 1 3, वैसे a रेस टू 1 a। इसलिए log लगाएंगे अगर इसको तो log a टू द बेस a इज इक्वल टू क्या आएगा? पावर। पावर क्या है तुम्हारा? 1, इसलिए 1 आता है। क्लियर है? यस। इसके बाद में आप लोगों को कुछ और पता होना जरूरी है। 1 का मैंने बोला 0, a का बोला मैंने a, ठीक है। फिर आपको देखिए यहां पे अगर log है और कुछ भी होगा सामने, एक एंगल है कुछ भी, समझो 2 3 4 5 कुछ भी x पकड़ लेता हूं मैं x, और नीचे कुछ लिखा हुआ नहीं है, है ना, इधर कुछ एक y नंबर है, नीचे कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो ऐसे केस में समझ लेना होता है कि वहां पे e होता है। e क्या होता है? उधर बेस e। जब बेस e आता है तो उसको हम लोग कहते हैं नेचुरल लॉगरिदम। क्या बोलते हैं इसको? नेचुरल लॉगरिदम। जब बेस क्या होगा? e। एक तो लिखा हुआ होना चाहिए, और लिखा नहीं है कुछ भी तो समझ लेना कि वहां पे बेस e है, उसको बोलेंगे नेचुरल लॉगरिदम। ठीक है, इज नेचुरल। अगर यहाँ पे कुछ भी एक नंबर है सामने, उसका एक आंसर है, नीचे बेस में 10 लिखा हुआ है, 10, तो उसको बोलते हम लोग कॉमन लॉगरिथम। क्या बोलेंगे उसको? कॉमन लॉगरिथम। एंड ई एंड 10 को छोड़कर बाकी कुछ भी बेस लिखा होगा, 1 2 3 4 से लेकर कुछ भी, 50 100 100 कुछ भी, उसको कोई नाम नहीं होता है, सिर्फ ई लिखा होगा तभी नाम दिया जाता है नेचुरल लॉग, और 10 अगर होगा तो उसको बोलते हैं कॉमन लॉग। क्लियर है यहां तक सबको? क्या बताया मैंने वो समझ में आया है? यस एवरीवन? यस सर। यस सर। अभी इसके बाद में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हमें पढ़ने होते हैं, वो रूल्स एंड रेगुलेशन हम स्टार्ट करेंगे,
उसके पहले आपको ये सारा फंडा क्लियर होना जरूरी है। ये नोट डाउन करके रखिए आपके नोटबुक में, ये नहीं लिखेंगे ये कहीं मिलेगा भी नहीं, और मिल भी जाएगा तो भी मतलब नहीं समझेगा। ओके, मैथ्स इज अ सब्जेक्ट ऑफ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करने से मैथ्स आता है, पढ़ने वाला सब्जेक्ट नहीं। मैं हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूं यहाँ पे, अंग्रेज आए मार दिया आप चले गए खत्म नहीं होता है, ऐसा करना पड़ेगा। लॉग एक्स टू द बेस ई नेचुरल लॉग, लॉग एक्स टू द बेस 10 कॉमन लॉग, लॉग 1 टू द बेस ए इज इक्वल 1 का आंसर 0, ए ए सेम आया आंसर होता है 1, खत्म। दूसरा और एक इधर नोट डाउन करने वाली बात है, लॉग ई का आंसर भी होता है 1, वो भी लिख के रखो, लॉग ई का आंसर होता है 1, ठीक है, लॉग ई का आंसर भी क्या होता है 1। ये हो गया नेचुरल लॉग में। अब चलते हम लोग रूल्स, ऊपर लिखेंगे रूल्स या लॉज, लॉज ऑफ लॉगरिदम। ओके, तो मैं क्या करता हूं अभी इस साइड में आपको एक्सपोनेंट के लॉग, एक्सपोनेंट के जो थे ना रूल्स वो थोड़ा याद दिलाता हूं, और साइड में लॉग के लिखते जाता हूं। जैसे हमने ये पढ़ा एक्सपोनेंट में, ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन इज इक्वल टू होता है ए रेस टू एम प्लस एन। बेस सेम है, पावर अलग अलग है, क्या होती है पावर एड। वैसे लॉग का कहना है लॉग एम एन, मतलब मल्टीप्लाई में अगर आता है तो यू कैन अप्लाई लॉग एम प्लस लॉग एन। देख लो ये एक्सपोनेंट का रूल है, उसके जैसे दिखने वाला लॉग में ये रूल है। कल को जाकर अगर इधर और इंटू ए रेस टू आर आता तो मैं इसमें भी प्लस आर कर देता, आई बात समझ में, प्लस इंटू ए रेस टू आर आता तो मैं इसमें क्या करता प्लस आर करता। वैसे इसमें भी अगर एम एन आर आ गया तो इधर लॉग एन प्लस लॉग आर हो जाएगा, जितना जितना मल्टीप्लाई में होगा उतना उतना एडिशन में आएगा। और रूल से ये उल्टे पुल्टे लग सकते, मतलब प्लस में होगा तो मैं उसको इंटू में भी ले सकता हूँ, प्लस में होगा तो मैं उल्टू में भी ले सकते, इसको ऐसा लिख सकते तो इसको भी ऐसा लिख सकते, एलएचएस आरएचएस बोथ आर ट्रू। क्लियर पहला रूल, ये रूल नंबर 1 था। दूसरा हमने पढ़ा ए रेस टू एम डिवाइड बाय ए रेस टू एन इज इक्वल टू होता है ए रेस टू एम माइनस एन। वैसे लॉग में भी होता है, लॉग एम अपॉन एन को लिखा जाता है लॉग एम माइनस लॉग एन। सर आप कहीं पर भी बेस नहीं लिख रहे, नोट नीडेड, बेस लिखने की जरूरत नहीं है, बेस नहीं लिखा है इसका ही मतलब वो ई होता है नेचुरल लॉगरिदम, ये मैंने पहले ही क्लियर किया, ठीक है, हो गया इधर तक। नंबर 3, आपको पता अभी उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म नहीं होता है, उसको डायरेक्ट यहां पे लिखेंगे लॉग ऑफ ए रेस टू एक्स अगर होगा, या ए रेस टू एम भी बोल सकते, तो ये छत पे खड़ा है उसको नीचे बुलाओ तो ये जाएगा आंगन में और ये बनेगा एक्स लॉग ए, एक्स लॉग ए आंगन में आता है ये सामने और ये क्या बनता है लॉग ए, एक्स लॉग ए। क्लियर, लॉग ए रेस टू एक्स का क्या आएगा एक्स लॉग ए, ये बन जाता है। फोर्थ फॉर्मूला इसके अंदर वो होता है लॉग, इधर ए है इधर भी ए है और ऊपर एक्स है, इसके रेस्टू में है ए के रेस्टू में एक्स है, नीचे का बेस लॉग का और इधर का एंगल सेम है, ओके तो ये बन जाता है एक्स, सीधा आंसर क्या आएगा एक्स। क्यों ऐसा, सिंपल है, लॉग ए टू द पावर एक्स है समझो और ए है तो ये नीचे चला जाता है एज पर द फॉर्मूला नंबर 3, तो एक्स सामने आएगा यहाँ पे क्या बचेगा लॉग ए ए, और पिछले साइड में मैंने समझाया एंगल और बेस सेम हो गए तो आंसर क्या होता है 1, इसलिए आंसर क्या आता है एक्स। ये हमेशा दिमाग में रखना चाहिए कि लॉग ए टू द बेस एक्स सॉरी पावर एक्स टू द बेस ए, ऐसा अगर होगा तो आंसर क्या होता है एक्स। क्लियर है इधर तक सबको, अभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आने जा रहा है उसको बोलते हैं हम लोग चेंज ऑफ बेस।
चेंज ऑफ बेस मतलब अगर ए है और यहाँ पे बी है, एक बेस बी है कुछ तो भी एक एंगल है, तो आप इसको ऐसा अलग अलग लिख सकते लॉग ए अपॉन लॉग बी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉग ए अपॉन लॉग बी, सर आपने बेस तो दिया ही नहीं, बेस नहीं दिया तो आपके मन में जो आएगा वो दे दो, लेकिन सेम सेम देना होता है। समझो ऊपर बेस टू रख रहे हैं तो नीचे भी बेस टू रख सकते, ऊपर ई रख रहे हैं तो नीचे भी ई रखेंगे, ऊपर टेन रख रहे हैं तो नीचे भी टेन रखेंगे। अभी कुछ नहीं रखा मतलब बाय डिफॉल्ट ई है उसके अंदर, ओके बाय डिफॉल्ट ई है, नेचुरल लॉगरिथम है, नहीं रखा मतलब रखना होगा कुछ अलग से अपने को तो अपन रख सकते, नो प्रॉब्लम। क्लियर है ये पांच फॉर्मूले सबको? यस, एनीवन एनी डाउट इनटू दिस? ये पांच फॉर्मूले आपको सबको क्लियर है क्या? पूरे चैप्टर को पढ़ना मतलब ये पांच फॉर्मूले को पढ़ना है। जिसने ये पांच फॉर्मूले अच्छे से समझ लिए उसको चैप्टर में सारे सम समझ में आएंगे। जिसने यही पे अगर छोड़ दिया है कुछ, उसने चैप्टर छोड़ देना है, उसको नहीं आएगा। मैथ्स में हमेशा जरूरी होते हैं फॉर्मूले, बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स, वो क्लियर अगर होंगे तो ही आगे प्रॉब्लम करने में मजा आए, वरना वो फिर बोरिंग लगेगा, कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा, क्या पढ़ा रहा है समझ नहीं आएगा। उसमें ना सिखाने वाले की गलती है ना मैथ्स की गलती है, गलती अपन के अंदर होती है, अपन ने ध्यान नहीं दिया रूल्स के ऊपर। इसलिए ध्यान से देख लो, लॉग एम एन क्या होता है, लॉग एन प्लस लॉग एन, लॉग एम अपॉन एन लॉग एम माइनस लॉग एन, है ना। मल्टीप्लीकेशन में एडिशन है, डिविजन में सब्ट्रैक्शन है। लॉग ए रेस टू एक्स होगा तो एक्स सामने आएगा, एक्स लॉग ए बनेगा। लॉग ए टू द पावर एक्स टू द बेस ए होगा तो सीधा आंसर लिख देना है एक्स। एंड चेंज ऑफ बेस बताया मैंने, चेंज ऑफ बेस मतलब लॉग ए टू द बेस बी अगर होगा तो ऊपर लॉग ए एंड लॉग बी, ऐसा लॉग सेपरेट सेपरेट हो सकता है। क्लियर है, आया है समझ में? कोई डाउट है किसी को पूछ लो, एक मिनट दे रहा हूं पूछ लो। सर एक बार लास्ट वाला रूल बताना, ये वाला लास्ट वाला पांच वाला क्या? अरे यही बताना है क्या? अपने मन के अंदर हाँ बोला लगता है, ठीक है चलो इसको ही बता देता हूं। आई थिंक सो यही चाहिए था। लॉग यहाँ पे है थ्री और यहाँ पे फोर, मुझे लॉग थ्री निकालने नहीं आ रहा है, लॉग फोर के बेस, फोर की बेस के ऊपर मुझे बेस चेंज करके चाहिए, तो मैं इसका आंसर कैसे निकाल सकता हूँ? उसके लिए मैं लॉग थ्री लूंगा, बेस लूंगा टेन, और यहाँ पे लॉग फोर लूंगा तो बेस लूंगा टेन। मेरी मर्जी, वो बेस मैं ले सकता हूँ, लॉग में अलग अलग कर सकता हूँ, लाइक दिस। क्लियर है, आया क्या समझ में फिफ्थ वाला? और कोई डाउट होगा और पूछ लो। सर फोर्थ, फोर्थ वाला, फोर्थ वाले में क्या है कि उसको कहना है सपोज यहाँ पे लॉग है टेन है, इधर टेन है, पावर टू दिया है, टेन टेन मैच हो गया यहाँ पे, जो भी ऊपर होगा वो आंसर लिख दो, खत्म, कुछ मत सोचना, जो पावर में होता है वही तुम्हारा आंसर होता है, क्योंकि वो टेन टेन जो होते हैं उसका आंसर वन बन जाता है, वो टू आगे चला गया, इसलिए आंसर क्या लिखना है, टू। क्लियर है? यस सर, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट, इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। देखो यहां पे दिया है log 5 टू द बेस 2 अपॉन log 11 टू द बेस 5 सॉरी 2 माइनस log 5 टू द बेस 4 अपॉन log 11 टू द बेस 4। पहली बात ऑब्जर्व करना, बेस सेम है क्या? बेस सेम है तो उसको कट भी कर सकते, बेस को काट सकते। मैंने बेस अभी अभी दिए थे चेंज ऑफ बेस में, तो मैं निकाल भी सकता हूं उसको, तो इसका मतलब बनता है log 5 टू द बेस 11। इसका बेस क्या बन जाएगा, दोनों log एक हो गए ना, तो ऊपर वाला क्या बन जाता है एंगल, और नीचे वाला क्या बन जाता है बेस। उसी प्रकार से यहां पर भी सेम सेम बेस है तो उसको काट सकते, तो क्या बनेगा log 5 टू द बेस 11। क्लियर है?
सेम सेम बेस बन गया। अब ये सेम है कि नहीं दोनों टर्म? दोनों टर्म कैसे दिख रही है आपको? सेम दिख रही है, कट हो जाएगी एक दूसरे में से, आंसर क्या आएगा? आया क्या समझ में? क्या किया हमने? चेंज ऑफ बेस। यस सर। ओके, कितने लोगों में से एक का रिप्लाई आता है हमको, सोचिए। बाकी लोग क्या मतलब सिर्फ टाइम पास के लिए बैठते हैं? समय कीमती है बॉस, वेस्ट मत करो। समय की कदर करो तो ही समय तुम्हारी कदर करेगा, वरना जिंदगी इतनी छोटी है पता नहीं चलेगा कब चीता अपनी सजाई गई। इसलिए समय की कीमत करो। लॉग 7 to the base 6, लॉग 7 to the base 2, 1 plus log 3 to the base 2, ऐसा दिया है। शो दैट करना है, शो दैट। शो दैट मतलब क्या? एलएचएस से आरएचएस लाना, सिंपल होता है। देखो मैं एलएचएस लेके आपको बना के दिखाता हूं। क्या है मेरे एलएचएस में? सिर्फ एक वैल्यू है, log 7 to the base 6, log 7 to the base 6। मैंने आरएचएस को ऑब्जर्व किया, भाई इधर 2 है, इधर 2 है, क्या मुझे क्या करना चाहिए? मुझे इसको एक चेंज ऑफ बेस लगाना चाहिए। चेंज ऑफ बेस अगर मैं लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 2 बेस में लगा सकता हूं इसको। मैंने क्या बोला? चेंज ऑफ बेस करते समय हमारी मर्जी वो हम लोग बेस ले सकते हैं। तो यहां पे क्या आना चाहिए? log 7 to the base 2, log 6 to the base 2। यस और नो? ये स्टेप सबको समझ में आई है? पहली वाली स्टेप। ओके, यस सर। अभी इस 6 को हम लोग लिख सकते हैं। मैंने देखा, अरे भाई नीचे 6 है ही नहीं, न्यूमरेटर तो मैच हो गया, डिनोमिनेटर में 6 है ही नहीं, क्या है? 3 है। तो 3 को हम लोग कैसे लाएंगे? 6 के टेबल में 3 आता है क्या? आता है। या 3 के टेबल में 6 आता है? 2 इंटू क्या करेंगे? 3, और बेस क्या था? 2 2 ही रखेंगे। याद करो रूल नंबर 1, क्या बताया था मैंने? अगर मल्टीप्लीकेशन में होता है तब हम लोग क्या करते? एडिशन। क्या करते हम लोग? एडिशन। लॉग एम एन, लॉग एम प्लस लॉग एन। तो यहां पे कैसे आएगा? log 2 to the base 2 प्लस log 3 to the base 2। क्लियर है? इसको बोलते हैं सेपरेट करना, मतलब लॉग लगाना। कैसे लॉग लगाया? एम एन को लॉग एम प्लस लॉग एन। अब मैंने एक रूल बताया था, एंगल एंड बेस अगर सेम होगा तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। इधर क्या आएगा? log 7 to the base 2 अपॉन 1 प्लस क्या आएगा? log 3 to the base। क्लियर है? log 3 to the base 2। कैसे आया समझ में? आ रहा है आपको? 2 3 स्टेप में आंसर आ जाता है। बस रूल पता होना, 5 चीजें पता है जिसको उसको एक उसके लिए बनाया लॉग। जिसको 5 भी लर्न करने पे जान पे आती है उसके लिए नहीं बनाया लॉग। यस, बोलिए। एनी डाउट इट अप टू हियर? इस क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को? नो सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शो दैट वाला। एलएचएस लेता हूं मैं डायरेक्टली। शो दैट करना है log 8 to the base b डॉट, डॉट मतलब इनटू, log b to the base c डॉट मतलब इनटू, log c to the base a, आंसर लाना है 1। आरएचएस क्या हमारा? 1 है। चेंज ऑफ बेस लगाओ, कुछ मत करना। एक रूल पता होगा, काम बन जाएगा। क्या बताया मैंने चेंज ऑफ बेस के बारे में? log a अपॉन log b। सर आपने बेस नहीं लिखा। अरे मैंने बोला कि जरूरी नहीं हर बार लिखना। नहीं लिखा मतलब बाय डिफॉल्ट होता है कुछ ना कुछ ई होता है। ओके, तो लिखना इधर जरूरी नहीं है, 1 लाना है। इसलिए जब जरूरी होता है तब हम लोग हमारी मर्जी से बेस दे देते हैं। यहाँ पे अपन चेंज ऑफ बेस लगाएंगे सेकंड वाले टर्म को, लॉग बी अपॉन लॉग सी, यहाँ भी आएगा लॉग सी अपॉन लॉग ए। समझ तो में आया? तीनों को मैंने क्या किया? चेंज ऑफ बेस लगाया। लॉग बी कैंसिल होगा, लॉग सी कैंसिल होगा, लॉग ए कैंसिल होगा।
आंसर आएगा 1, खत्म, ये तुम्हारा आंसर है। क्लियर है सबको? चेक कर लो सर एक बार बताओ। अरे चेंज ऑफ बेस, चेंज ऑफ बेस बताया ना मैंने, चेंज ऑफ बेस लॉग एट द बेस बी, चेंज ऑफ बेस के बारे में क्या बताया, ऊपर लॉग अलग नीचे लॉग अलग कर सकते, ये बताया कि नहीं मैंने, ये कैसे हुआ है, क्या वैसे नहीं हुआ है क्या, ये ए बी ए बी बी सी बी सी सी ए सी ए हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या रॉकेट साइंस है? यस एनी डाउट? ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। और एक क्वेश्चन ऐसा ही सेम क्वेश्चन, कोई चेंज नहीं, सेम ऐसा क्वेश्चन LHS, थोड़ा नॉर्मल चेंज, यहां पे दिया है log b टू द बेस a इंटू log c टू द बेस b इंटू log x टू द बेस c, ओके और आंसर लाना है हमें x, आंसर क्या लाना है हमें x, देखेंगे हमारा x आता है कि नहीं आता है, देखेंगे हमारा x आता है कि नहीं आता है, ठीक है चेक करेंगे। सबसे पहले चेंज ऑफ बेस, टेक्स्ट बुक में मत देखिए, टेक्स्ट बुक का जो सॉल्यूशन है वो अलग मेथड है, क्रिटिकल किया है, फालतू किया है, मैं जो कर रहा हूं उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए तो ही समझ आएगा। चेंज ऑफ बेस क्या बोला मैंने, लॉग बी अपॉन लॉग ए, यहां पे आएगा लॉग सी अपॉन लॉग बी, बराबर है? बोलिए घर में ना बैठे बैठे, सिर्फ बैठना नहीं होता है, ऑनलाइन लेक्चर मतलब बोलना भी होता है, घर में बैठे बैठे बोल सकते हैं अपन, अपना ही घर है, लॉग सी, एटलीस्ट घर वालों को ये तो तसल्ली होगी कि अपन पढ़ भी रहे, लॉग सी लॉग सी लॉग बी कैंसल, बचा क्या, बचा लॉग एक्स अपॉन लॉग ए, बचा कि नहीं बचा, क्या बचा है, लॉग एक्स अपॉन लॉग ए, ठीक है। अभी एक्चुअली इन इसका अगर मैं ऐसा करूं कि एक जगह पे कर लूं, दोनों लॉग को हटा दूं, यहां पे आएगा लॉग एक्स टू द बेस ए, चेंज ऑफ बेस का ही फॉर्मूला है लेकिन रिवर्स ऑर्डर में लगाया, ये ऑलरेडी चेंज ऑफ बेस था, मैंने क्या किया इसके अंदर ए घुसा दिया, तो लॉग एक्स टू द बेस क्या हो गया तुम्हारा ए, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है किसी को? नो सर, नो सर, ओके सर एक बार लास्ट कर सकते हैं, क्या हो गया लास्ट ओके लास्ट स्टेप का कुछ बोल रहे थे वो, इधर मैंने पहले चेंज ऑफ बेस किया है लॉग बी टू द लॉग ए लॉग सी टू द लॉग बी लॉग एक्स टू द लॉग सी, फिर मैंने सी सी को कट किया बीबी को कट किया, बचा हमारा ये लॉग एक्स और ये लॉग ए, तो यहाँ पे लिखा है लॉग एक्स और नीचे लिखा है लॉग ए, फिर मैंने बोला कि जैसे हम लोग लिखते हैं ना, आप लोग कभी भी मैथ्स को ना एक नजरे से मत देखो, अगर लॉग ए टू द बेस भी होता है तो मैंने चेंज ऑफ बेस बोला है लॉग ए अपॉन लॉग बी, अगर इससे आरएचएस बनता है तो आरएचएस से एलएचएस भी बनता है, तो ये ऐसा बना हुआ था मैंने ऐसा बना दिया, इससे ये बनेगा तो इससे ये भी बनता है, तो लॉग एक्स टू द लॉग ए, तो ये क्या बन गया लॉग एक्स टू द बेस ए, क्लियर है इधर तक अभी? यस सर, ओके। अभी log a टू द बेस x जो भी बना है हमारा, उसका x कैसे आएगा ये हमें सोचना है, ठीक है, इसका x कैसे आएगा, एक्चुअली जो दिया था ये पूरा का पूरा, ये जो ऊपर दिया था ये एक्सपोनेंट में दिया था a की, मतलब ये a रेस टू इतना सारा सब कुछ है, क्या दिया है a छोटा सा उधर टाइप किया हुआ है जो कि थोड़ा बड़ा टाइप करना चाहिए था, ये कहाँ पे सारा ऊपर उसके पावर में रेस टू में, हम लोग लिखते हैं ना ए रेस टू एक्स, वैसे एक्स की जगह पे क्या लिखा है ये सारा लिखा है, ठीक है, तो ये जो भी किया हमने सिंप्लीफिकेशन वो इसका किया, तो हमारा ये जो भी आया है वो किसका आया है, इस ब्रैकेट का आंसर आया है, तो हम लोग एल एच एस को एक्चुअली कैसे लिखेंगे, एल एच एस लिखने आएगा ए रेस टू लॉग एक्स टू द बेस, और आई थिंक सो मैंने बताया आपको
जब नीचे बेस और इधर का बेस सेम हो जाएगा तो आपको क्या लिखना होता है, लॉग के सामने जो होता है वही तुम्हारा क्या होता है, क्लियर है? लॉग के सामने जो होता है वही तुम्हारा क्या होता है, ये सिंपल फंडा है। ए रेस टू के पावर में था, उसको सिंपलीफाई किया, हमारा आंसर यह आया। अगर यहाँ का नंबर और यहाँ का नंबर मैच करता है तो आपको लिखना होता है आंसर, वो एंगल ही तुम्हारा आंसर बनेगा। दैट्स वाई एक्स इज योर आंसर इन दिस। क्लियर एवरीवन? आया समझ में आपको क्या चल रहा है? यस सर। कोई डाउट है इस क्वेश्चन में किसी को? सर, हमने ए कट किया तो फिर ये लॉग क्यों नहीं लिखा हमने? क्या क्या ए क्या ए और ए दोनों कट किया तो फिर आंसर में सिर्फ एक्स ही क्यों लिखा, लॉग भी लिख सकते ना? नहीं, वो रूल है ना, रूल क्या कह रहा है, ए रेस टू लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए। अब एक्चुअली होता क्या है, ये जो एक्स है ये एक्स आगे चला जाता है, पावर है ना ये, देखो इसको है ना ऐसा समझो, इज इक्वल टू हम लोग, हाँ एक्चुअली इसको हम लोग वाई लेके अगर सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये लॉग जो है वो कैंसिल हो जाता है, क्योंकि लॉग एक्स टू द बेस ए इसका नॉर्मल फॉर्म कैसे आएगा, समझो यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, वाई लिख देता हूँ, तो यहाँ पे इसका नॉर्मल फॉर्म आता है एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू वाई, ऐसा बनता है। ओके, ई रेस टू वाई, इधर कुछ नहीं होता है, मतलब लॉग जब ट्रांसफर होता है तब उसका ई या फिर ए रेस टू वाई ऐसा भी लिख सकते हैं। तो अभी सोचो कि मैंने यहाँ पे ए रेस टू वाई डाल दिया तो ये वाई कहाँ जाएगा, सामने चला जाएगा और ये ए एक कट हो जाएगा। इन शॉर्ट कहना इतना ही है मुझे, ये ए रेस टू जो भी लिखा होता है इस एक्स को छोड़कर इतना सब पार्ट है, इसका मतलब होता है वन, इतना समझो आप। क्या बोला मैं, समझ में आया? ए रेस टू लॉग टू द बेस ए, अगर ये ए और ए मैच करेगा तो ही, इस सब का मतलब क्या होता है, वन। तो वन इंटू जो भी बचता है वो इसके साथ बचता है, तो ये एक्स ही बचा, इसलिए हमने आंसर क्या लिख दिया, एक्स। इस लॉग को पकड़ के आंसर वन बनता है, लॉग को छोड़ के नहीं, इसलिए लॉग नहीं लिखा करते, सिर्फ एक्स लिखा करते। क्लियर है क्यों लिखा है एक्स? yes, और कोई डाउट है किसी को? यस, एनीवन एनी डाउट अप टू हियर? नो सर। ठीक है, बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो आई थिंक सो इसका आखिरी लेक्चर होगा, उस लेक्चर में कल के या परसों के लेक्चर में उसको खत्म कर दूंगा, दो तीन लेक्चर में ये खत्म हो जाएगा। बी रेडी फॉर द नेक्स्ट चैप्टर एंड बी रेडी फॉर योर एग्जाम ऑल्सो, देर इज अ फुल लेंथ टेस्ट ऑन 15th, 15 तारीख से आपकी फुल लेंथ टेस्ट होने वाली है, उसके लिए सारे चैप्टर्स का होमवर्क भी रेडी चाहिए और उसको पेपर भी आपको अटेम्प्ट करने के लिए मिल जाएगा, तो तैयार रहिए सारे केसेस के लिए और डाउट पूछते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।